दुष्कर्म की घिनौनी वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप पड़ोस में रहने वाले इस नाबालिग लड़के पर लगा है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। लड़की के फादर ने दी है, विशाल अग्रवाल उनका नाम है, उनकी 6 साल की लड़की है और उसके साथ एक लड़के ने गलत काम किया है, जो मामला दर्ज करके आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और जिनका मेडिकल करवाया जा रहा है। बच्ची के पिता का आरोप है कि बच्ची के साथ न सिर्फ दुष्कर्म हुआ है बल्कि उसके साथ मारपीट भी की गई है। फिलहाल बच्ची का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है और आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। ट्यूशन पढ़ने गई थी तो मैं अपने बेटे की दवाई दिलाने के लिए गया था अपनी मिसेज के साथ, और उसको अपने बेटे को बोल गया था अभी नीचे हम मैं रेंट पे रहता हूँ, मकान मालिक की जो बहू उनके पास रह जियो। और जब मेरी बेटी ट्यूशन से आई, उसको अकेला पा के जो ये दोषी लड़का है उसने इसके साथ गलत हरकत की है। और जैसे ही हम आए हमें तब पता लगा, एकदम हमने आवाज़ लगाई, हमने हमारे आवाज़ लगाते हुए लड़का भाग गया और मेरी बेटी ऊपर सीढ़ियों से रोते रोते हमें पता लगा उस बात का। इस घिनौनी वारदात के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आसपास के लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर बेटियां सुरक्षित कहां हैं? फोकस हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से राजेश चौहान की रिपोर्ट।